पर देखते हैं आठ, कह रहा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, है ना। मतलब कि अगर उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता तो उस यात्रा को, यानी कि 360 किलोमीटर की जो यात्रा है, और कम समय, यानी कि और 1 घंटा कम लगता उस यात्रा में, जितना समय लग रहा है उससे 1 घंटा कम लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना माना रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक चीज आपको पता ही कि समय बराबर फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी और बटा में चाल, दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब लिखते हैं यहां प्रश्न से, ठीक है प्रश्न से। अच्छा दूरी है आपका 360 किलोमीटर, अच्छा और चाल है x, तो ये क्या निकल गया समय, और 360 बटा x प्लस 5, यानी कि देखिए ये हो गया अधिक समय और ये हो गया कम समय। कैसे, क्योंकि आप देख रहे हैं चाल क्या है x है, तो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ चाल क्या है x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो है इसके अपेक्षा कितना घंटा कम ले रहा है, 1 घंटा। तो ये समय है और ये भी समय है, लेकिन ये इससे 1 घंटा कम है, तो इसलिए दोनों में दोनों का अंतर बराबर लिख देंगे कितना, 1। समझ गया ना। कहने का तात्पर्य है कि जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी आपका 360 किलोमीटर है, तो ये दूरी और बट्टा चाल बराबर आ गया समय, और वही चाल जब बढ़ जा रहा है तो ये जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, तो इसके अपेक्षा ये कितना घंटा कम समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है। चलिए इसको बनाते हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। चलिए एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 5 बराबर में 1 है। यहाँ देखिए इसमें से भाग करेंगे, x प्लस 5 जाके ऊपर गुना करेगा तो 360 ब्रैकेट में x प्लस 5 माइनस, इसमें से भाग करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, x जाके ऊपर गुना करेगा तो आ जाएगा 360x। चलिए ऊपर गुना करिए, 360x और माइनस 360 में 7 से 5 से गुना हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1800, ठीक है। और माइनस का 360x बटा में नीचे भी गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x बराबर में 1, ये दोनों कट जाएगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा। चलिए सॉरी, यहाँ देखिए ऊपर जो है ना यहाँ प्लस आएगा ना, देख रहे हैं ना, इसमें से गुना हुआ, यहाँ यहाँ गुना होगा तो 1800 आएगा प्लस का। चलिए आगे देखते हैं, इसको इसमें ले जाके गुना करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में ये आपका आ जाएगा 1800, तो प्लस का 1800 इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करना होगा ना, चलिए तो यहाँ आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 40x, है ना, माइनस 1800 बराबर में 0। देख लीजिए घटेगा तो 5x और गुना होगा इन दोनों में तो माइनस का इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा ना कि आ जाएगा ना। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है तो x कॉमन है, ठीक है, तो बचेगा x प्लस 45 माइनस है बीच में तो माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है तो 40 कॉमन होगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ साइन बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन की है, और यहाँ बच जाएगा आपका 45 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, x प्लस 45 को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 40, यही ना होगा बराबर में 0। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं इन दोनों को, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 45 बराबर में 0, यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस का 45, यहाँ से x बराबर 40, तो चाल धनात्मक ही ना होती है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, चाल धनात्मक होती है, है ना, कुछ होगा ना प्लस में ही होगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस वाले को रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए। चलिए अगला